उत्तर प्रदेश में सत्ता खो चुकी समाजवादी पार्टी पुनः सत्ता हासिल करने के लिए हर प्रयास कर रही है। इसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा को एक बार फिर अपना हथियार बनाया है। इस हथियार को और धार देने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से मंडलवार साइकिल यात्रा निकालने की फरमान जारी की है। इस यात्रा की सफलता को लेकर महानगर समाजवादी पार्टी की एक बैठक गुरुवार को बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने की। बैठक में आगामी दिनों आजमगढ़ से गोरखपुर आने वाली साइकिल यात्रा को महानगर में और भी बृहद रूप देकर लोगों के बीच जाने की योजना पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान शबीर कुरैशी, सुनील यादव, राजेश यादव, संजय पहलवान सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आजमगढ़ से चल के आगामी 10 तारीख को साइकिल यात्रा को किस तरीके से सफल बनाया जाए, इस बैठक का अहम एजेंडा और अहम मुद्दा ये सदस्य साइकिल के साथ शामिल हो जाएंगे। मगर उसको शामिल कराते हुए जब साइकिल यात्रा समाप्त होगी तो आजमगढ़ से साइकिल रैली यात्रा को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाए, उनको हम लोग लगे हैं, दो साल से लगे हैं, अब जिम्मेदारी भी मिल रही है। जो साइकिल यात्रा निकालने का कार्यक्रम तय किया है, यह छोटा कार्यक्रम नहीं है, यह पूरे प्रदेश में इस बात को संदेश देने का कार्यक्रम है कि समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आगामी 2019 के चुनाव के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए यह साइकिल यात्रा महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण यात्रा को जब तक समाजवादी पार्टी के एक एक साथी, एक एक वर्कर ईमानदारी के साथ नहीं लगेंगे, तब तक हम लोग इसको सफल नहीं कर पाएंगे। मीटिंगों में बात हो जाएगी, वादे अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उस पर हमें आपको खरा उतरने की जरूरत है।